नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज फॉर एडिशन देख रहे हैं। हाजिर है हम रोज की तरह मौसम अपडेट लेकर, वेदर अपडेट लेकर। कैसा रहने वाला है आपके शहर का मौसम और कैसा रहेगा आज पूरे बिहार का मौसम, आपको बता दें बिहार में चक्रवाती तूफान का असर आज रात्रि से जो है दिखने लगेगा। राजदाना चक्रवाती तूफान है वो बिहार में तबाही मचाएगा, खास करके झारखंड से सटे इलाकों को जो है सतर्क रहने की जरूरत है। पटना मौसम विभाग की माने तो आज बिहार के कई जिलों में जो है बारिश होने की संभावना है। हालांकि कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में दाना चक्रवाती तूफान के कारण बिहार में जो है आज इसका असर दिख सकता है। झारखंड से सटे कई इलाकों में जो है इसका असर दिखने वाला है। हालांकि बिहार के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से जो है तेज हवाएं चलेगी, ऐसे में लोगों को जो है घर में रहने की हिदायत दी है। यदि बारिश की बात करें तो बिहार में मानसून की विदाई हो गई, लेकिन इसके बावजूद जो है मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि सुबह और शाम बिहार वासियों को ठंड का एहसास होने लगा। अब कहा जा रहा है कि जब बिहार में फिर से बारिश होगी तो तापमान में गिरावट आएगी, जिससे बिहार में ठंड जो है वो बढ़ जाएगी। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना अब एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है। यह गंभीर चक्रवाती तूफान 24 अक्टूबर की रात्रि या 25 अक्टूबर की सुबह को पुरी और सागर द्वीप के बीच उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करेगा। इसकी गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे और झोंके के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसका असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिलने भी लगा है। देर रात से ही मधेपुरा, किशनगंज, जमुई, कटिहार सहित झारखंड से सटे बिहार के जिले में तेज हवा और हल्की बारिश हो रही है। पटना स्थित मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिक एस के पटेल के अनुसार इस गंभीर चक्रवाती तूफान का असर अब बिहार में दिखने लगा है। आज रात्रि इसके असर में बढ़ोतरी होगी, विशेषकर झारखंड से सटे जिलों के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस तूफान के असर को देखते हुए आज राजधानी पटना सहित 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। गंभीर चक्रवाती तूफान का प्रभाव आज रात्रि से 25 अक्टूबर की सुबह को बिहार के पूर्वी भाग यानी सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार एवं दक्षिण बिहार के झारखंड से सटे जिले विशेषकर भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, गया में मेघा गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति की झोंकों की माने तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। साथ ही आज से 26 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार एवं पूर्वी बिहार के जिलों में कुछ स्थान एवं एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की भी संभावना है। आज यानी 24 अक्टूबर को सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिलों के कुछ स्थान पर मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा से सभी जिलों में एक या दो स्थानों पर जो है हल्की बारिश हो सकती है। तूफान का असर सिर्फ जो है तेज हवा और बारिश के रूप में ही नहीं बल्कि तापमान की गिरावट के रूप में भी दिखाई देगा। वैज्ञानिक एस के पटेल के अनुसार कल से दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। आज और कल बिहार के 20 जिलों में तेज हवा चलती रहेगी। आज बिहार का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की जो है संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है बिहार के कई जिलों में जो है दाना चक्रवाती तूफान को लेकर। बिहार के कई जिलों में जो है पटना मौसम विभाग ने जो है येलो अलर्ट जारी किया। कहा जा रहा है कि बिहार में के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि चक्रवाती तूफान के कारण बिहार में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, जिसका असर जो है तापमान पर पड़ेगा। कहा जा रहा है कि बिहार के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे न्यूज़ फॉर एडिशन।